नमस्कार दोस्तों, ट्रेडक्लू की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और प्लान करते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स कहाँ पर ले सकते हैं। तो आज यस डेफिनेटली मार्केट ऊपर जरूर गया था मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, और मॉनेटरी पॉलिसी आते ही साथ यहाँ पर एक स्ट्रांग सेल ऑफ दिखा है हमें, स्ट्रांग सेल ऑफ भी दिखा है डेली टाइम फ्रेम पे। इसे हम बेसिकली बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ बहुत ही ज्यादा बेरिशनेस, इसका मतलब होता है कि बेसिकली सेलर्स ज्यादा कंट्रोल में आ गए हैं प्राइस के, तो इसे हम बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। अब बेरिश एंगल्फिंग आना यानी हमें पोजिशनली शॉर्ट होना है, तो नहीं, पोजिशनली शॉर्ट तभी होना है जब प्राइस इसके नीचे सस्टेन करे, या हो सकता है ये फर्स्ट टॉप बन गया यहाँ पर और एक छोटा सा सेकेंड टॉप बना दे यहाँ पर, रुक जाए 1 से 2 सेशंस और फिर जब गिरे तो बहुत बड़ी बहुत ही तेज मोमेंटम के साथ गिर सकता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि पहले तो ये जो बेरिश कैंडल आई है, बेरिश कैंडल क्या ये रेजिस्टेंस पे आई है? तो यस डेफिनेटली यहाँ पर हम इतने दिन से यही ट्रैक कर रहे थे, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस 18,700। सो जब तक हमारा भी एक क्लियर विजन था, जब तक इस कैंडल का हाई अब निकलेगा नहीं तब तक आगे फॉलो थ्रू नहीं आएगा, तब तक हम बुलिश नहीं होने वाले। अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, चलिए कल के लिए वो देखते हैं। तो कल हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लाइन थोड़ी सी नीचे लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर से हमें दिख रहा है कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आया आफ्टरनून सेशन का, तो लगभग यहाँ 2:45 बजे के आसपास एक बड़ा फॉल आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो इस लेवल के पास है, तो इस डेफिनेटली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीचों बीच आके अटक गए हैं। और कल क्योंकि फ्राइडे है, एक चीज याद रखिए, मोमेंटम स्लो होगा मार्केट में, तो थोड़ी सी प्रॉपरली अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिए। ट्रेडक्लू के टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल क्या बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो एग्जैक्टली ये WR और YC के आसपास जाके ये किया है। सुबह अगर आपने मिस आउट किया होगा, लाइव कॉमेंट्री में हमने बता दिया था यार DR और MR है, दो इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस इसके साथ हमने ये भी क्लियरली बताया था 18,800 पे क्लियरली यहाँ पर हमें एक बेयरिश सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कॉल राइटर्स काफी स्ट्रांग थे। सो कॉल राइटर स्ट्रांग होने के कारण होता क्या है कि बेसिकली अगर कॉल राइटर स्ट्रांग है और उनके मुकाबले अगर पुट राइटर्स बहुत कम है तो डेफिनेटली रिवर्सल वहां से आएगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अब कि हमें कल के लिए प्लान कैसे करना है। तो हमने ये दो बॉक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की आइडिया लग जाएगी। सो ये एक है आफ्टरनून सेलिंग पॉइंट, तो यस डेफिनेटली यहाँ पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट के लिए। और मार्केट के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो होने वाला है ये जो नीचे के सपोर्ट है 18,550। तो हो सकता है कल मार्केट इस लेवल पे भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमें अब कैसे ट्रेड करना है, तो एक चीज याद रखिए, मार्केट जब गिर रहा है तो ट्रेड करना जरूरी नहीं है। मार्केट में अगर एक पुल बैक आता है, अब हमें ये तो कंफर्मेशन दे दिया है मार्केट ने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि मार्केट अब लोअर हाईज लोअर लोस बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया है मार्केट ने। अब मार्केट को अगर बुलिश होना है तो उसे 18,716 के ऊपर सस्टेन करना होगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बाइंग के लिए आप सोचना भी मत। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है या इसी जोन में ओपन होता है और इस लेवल के पास आपको मिलता है 18,680, तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देखते ही साथ आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। इस कैंडल का हाई SL रख दीजिए, 30 to 40 points का SL होगा। यहाँ पर सेल करोगे फर्स्ट टारगेट आपका होगा 18,621, क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस है। सेकंड टारगेट होगा आपका लगभग 18,550 से 570 तक। अगर मान के चलते हैं मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन होता है इस रेंज के पास, तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि यहाँ से एक बड़ी रैली हुई है प्रीवियसली, चांसेस है कि अगर मार्केट फिर उसी जोन में आ जाता है 2 से 3 सेशन में एक बड़ी रैली होने की फिर से चांसेस होते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर एक आपको हैमर मिल जाए या आपको कंसोलिडेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल भी है, प्रीवियस रैली भी थी, मैक्स पेन लेवल भी है, यहाँ पर डेली सपोर्ट भी है। तो इस जोन में हो सकता है कि हमें मोस्टली हमें ज्यादा तौर में हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो इस जोन में अगर एक कंसोलिडेशन मिलता है और अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो यस डेफिनेटली हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में कोई डेली टाइम फ्रेम, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अभी भी साइडवेज है, लेकिन यस जो इसने कैंडल स्टिक आज बनाई है जरूर वो थोड़ी सी टेंशन देने वाली है, क्योंकि इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कहते हैं। प्लस इसी ने प्रीवियस कैंडल्स को, अब एक चीज देखिए, मजेदार चीज देखिए, ये शायद ही आपको कोई यूट्यूब चैनल पे कोई बताता होगा, तो यहाँ पर इस कैंडल ने ऑलमोस्ट कितने कैंडल्स को एंगल्फ कर लिए देख लीजिए आप, ये 1 2 3 4 4 कैंडल्स को इन सेलर्स ने पूरी तरह से ये कर लिया है, एंगल्फ कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक कैंडल ने ही 4 कैंडल्स के बायर्स को पूरी तरह से खा लिया है। अब कल अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 43,950 से 43,900, तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि कल फ्राइडे का भी दिन है। तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा हमारे लिए,
क्योंकि यहाँ पर 43,850 का लेवल है और यहाँ पर 2 से 3 बार बाउंस बैक भी कर चुका है बाजार, तो यहाँ पर और इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो यहाँ पर हमें ये एक बॉक्स मारकर, क्योंकि यही से आफ्टरनून में एक सेल ऑफ आया था। केटलू के टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं। तो टेक्निकल एंड ऑप्शंस लेवल एक्जैक्टली अपसाइड में देखिए DRWR है। आइडियली हम एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे, या तो मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन होते साथ अगर वो इस जोन में कहीं आता है, ये एक जोन मार्क करके रखिए आप DRWR का, और यहाँ पर आपको एक बेरिश कैंडल मिलती है, फिर से आप एक सेल पोजीशन ले सकते हो जो आपको फिर से पहुंचाएगी YC, यस्टरडेज क्लोज। सेकंड टारगेट होगा आपका डेली सपोर्ट। मान के चलते हैं अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इसी जोन में, वेट करेंगे। वेट किस चीज के लिए, या तो नीचे चला जाए, नीचे जाएगा तो एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से ही प्रीवियस रैली भी हुई है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो एक बहुत अच्छी खासी रैली हुई है, बट स्टॉप एंड ज्यादा मोमेंटम वाली नहीं हुई जैसे निफ्टी में हुई, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है। हम 2-4 वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि यस, बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पहुंच गया है, निफ्टी नहीं पहुंचा है, निफ्टी को पहुंचना है। सो निफ्टी में ज्यादा बुलिशनेस है, तो जो भी आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करोगे तो बैंक निफ्टी में मत कीजिए, आप निफ्टी में किया कीजिए। तो इससे होगा क्या, लोग क्या करते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर उसी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने, वही इंस्ट्रूमेंट को ही वो ट्रेड करेंगे, और फिर उसमें क्या होगा, फिर अगर सेटअप नहीं भी हो रहा है तो भी ट्रेड करेंगे, सोचेंगे निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी चला जाएगा, और फिर लॉस होता है तो फिर फायदा क्या है। तो उससे अच्छा दो इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कीजिए। जिस इंस्ट्रूमेंट में आपको पता चल रहा है कि हाँ बुलिशनेस है, वहां पर आप जाके ट्रेड कीजिए, बाई कीजिए। यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच का सिनारियो होगा, क्योंकि डेली सपोर्ट है। डेली सपोर्ट अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता है, फिर से नया फॉल आ सकता है, और हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करे अपसाइड में भी। एक अब अपसाइड में क्या होगा प्रॉब्लम, जब जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब जब बैंक निफ्टी में बायर्स जब जब ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे प्राइस, फिर से एग्रेसिव सेलिंग आएगी और फिर से वो नीचे लेके आएगी। फिर से अगर अपसाइड जाने की कोशिश करते हैं, एग्रेसिव सेलिंग आएगी, फिर से हो सकता है मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो कल के लिए हमें ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओपनिंग आइडियली गैप अप हो तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि जिन्होंने आज सेल सिनारियो, आज जिन जिन सेलर्स ने सेलिंग का सिनारियो मिस आउट कर दिया, डेफिनेटली वो एक बार तो उन्हें बहुत ही पसंद होगा कि उनके लेवल पे मार्केट मिल जाए और वहां से वो सेल करे। यहाँ पर फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम में देखिए, लगभग 1, 2, 3 कैंडल्स को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है, तो प्रीवियस 3 कैंडल्स को एंगल्फ कर दिया और बहुत ऊपर से आया है, लगभग ये 19,622 के ऊपर से है। हम क्लियर थे कल और परसों वाली वीडियो में, जब तक आप 19,650 नहीं ब्रेक होता तब तक यहाँ पर हमें पोजिशनली बाइंग पोजिशन नहीं बनानी है। प्लस हमारे पास यहाँ एक ट्रेंड लाइन जाते हुए भी दिख रही है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक जोड़ दो तो यस, ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ब्रेक होनी चाहिए, और इसके नीचे सस्टेन होगा तो डेफिनेटली एक सेल ऑफ आएगा। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टेक्निकल एंड ऑप्शन लेवल भी लगा के देखते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमारे तो एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही आके रुका था फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की वजह से एक अच्छा खासा जो गिरावट थी वो रुक गई, अरेस्ट हो गई। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी और नहीं तो और ज्यादा 200-300 पॉइंट गिर जाता, और डाउन साइड में ये एक सपोर्ट है, ये लेवल जो है लगभग आपका है DS से आसपास ही है, 30-40 पॉइंट यहाँ ऊपर नीचे है। सो और अपसाइड में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर कल क्या करना चाहिए, अगर इसी जोन में ओपन हो रहा है, इसी जोन में, तो फिर एक बहुत एक अच्छी चीज होगी। क्यों, क्योंकि इसी जोन में ओपन हो रहा है तो डाउन साइड में इसके पास अभी सपोर्ट नहीं है जल्दी। सो यहाँ पर अगर निकल भी जाता है 19,400 के नीचे, तो 19,350 या 300 के आसपास भी पहुंच सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, फिर से यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करेंगे हम, यहाँ पर डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, कोई भी एक बेरिश कैंडल पैटर्न दिख जाती है 20-30 पॉइंट्स की, तो यहाँ पर आप एक SL, छोटा SL रख के ट्रेड कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका यस्टरडेज क्लोज होगा, सेकंड टारगेट आपका DS। अब आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, मॉर्निंग ट्रेड। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगा, फिर हो सकता है अपसाइड या डाउन साइड में ब्रेकआउट दे दे ये ट्रेड। ये वीडियो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, कृपया करके अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिए। ट्रेडक्लू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।